जो आपका एच आर बिजनस पार्टनर मॉडल है दैट हैज़ डिवेलप फ्राम पर्सनल मैनेजमेंट और टू मुनाओ टू अ लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक एच आर बिजनेस पार्टनर एंड जब स्ट्रेटेजिक एच आर बिजनेस पार्टनर या स्ट्रेटेजिक एच आर मैनेजमेंट की बात हो रही है तो पीपल यूज़ इट इंटरचेंजबली इन दिस वी टॉक्ट अबाउट दिज फोर रोल्स वन इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर चेंज एजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड एम्प्लॉई चैम्पियन अच्छा इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एन एच आर बी पी मे बी डूइंग ऑल दीज फोर रोल्स इन वन गो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज एन एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट ठीक है और वो एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट में आपका रोल बहुत सही तरीक़े का हो सकता है एक हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि जी बाय पॉलिसी बाय प्रोसेस द डिट द एम्प्लॉयी फॉलो द एग्जैक्ट Process or is a grievance that is not related to the employee itself. But another way, way could be that you look at the employee's perspective, you look at the employer's perspective, you look at what is the right way of doing the things, and then you provide a solution which is a win win solution.

इफ़ेक्टिव या हमने उनकी रिडक्शन करनी है पीपल रिडक्शन इज़ वन ऑफ द वे ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एज वेल अब उसमें आप जिसको भी कहेंगे कि भाई इसकी जॉब ख़त्म हो रही है दे के नॉट सी यर एम्प्लॉय परस्पेक्टिव इन दैट राइट दे विल थिंक दैट इट इज़ एन एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव हाउ यू हैंडल इट कैन एक्चुअली हैव डिफरेंट इम्पैक्ट फॉर एक्जाम्पल इन सच सिचुएशन इंस्टेड ऑफ आस्किंग एम्प्लॉयीज़ टू गो अवे यू कैन एक्चुअली अरेंज फॉर देयर आउट प्लेसमेंट प्रॉपरली ज़रूरी नहीं कि आप उनको बस का एक दिन के नोटिस पर निकाल दें तो अच्छा फिर एज एन एच आर बी पी यू कैन एक्चुअली हैव द नेगोसिएशन विद द विद द एम्प्लॉयर कि ठीक है वी नो दैट द एम्प्लॉयज कॉस्ट हैज टू बी कट डाउन बट वॉट कैन वी डू टू मेक दिस ट्रांजेक्शन हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयज यू डोंट नीड टू बी हार्टलेस टू डू दैट यू कैन एक्चुअली हेल्प दैम गिविन प्रॉबली पैकेज वे दे कैन एट लीस्ट सर्वाइव फॉर फोर फाइव मंथ्स बिकॉज यू नो के आगे कोविड है उनको भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगी सो देर आर वेज़ ऑफ हैंडलिंग इट एज वेल सो ब्रिंगिंग इन द एम्पथी पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिंगिंग इन द पॉलिसी आप क्या बताएंगे उनको कि ठीक है ये आपने जो जॉब कट की है इसका साल का आपको ये बेनिफिट ज़रूर होगा फ्रॉम दैट एंटायर ईयरली बेनिफिट इफ़ यू गिव एटलीस्ट लीस्ट फोर मंथ्स पैकेज फॉर एग्जाम्पल Uh, uh, जिसको आप कहते हैं कि uh, उसमें आप उनको एडवांस ad सैलरी दे दें आप उनकी आउट प्लेसमेंट करवा दें एंड सो एंड सो फॉर दे कैम मैंने पैकेज डिजाइन तो फिर वही पर्सपेक्टिव जो एम्प्लॉयर का था वो एक एम्प्लॉई चैम्पियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आता है सिमिलरली यू कैन एक्चुअली अरेंज फॉर कोचिंग सेशन फॉर देम सो देट दे कैन गो फॉर देयर ओन वेंचर्स आप उनसे कहें कि जी जॉब्स नहीं हैं मार्केट में वी हैव टू कट डाउन वाई नॉट वी डू अ स्किल Based course for you. So when you are not here, we can actually give you a tool through which you can start your own business because you are getting also a package. So you have that investment made for you. How can you start a small uh, salary-based business or any business based on this small money that you have? So you have to think from uh, uh, an empathetic point of view and provide a solution in a situation where crisis hai, और जहाँ पर आपका जो ज़्यादातर एम्प्लॉई है वो ये सोचेगा ये देखो एम्प्लॉयर ही फ़ायदा करा रहे हैं अल्टीमेटली ये चार बट यू कैन डिज़ाइन इट इन अ वे दैट यू स्टिल आर एम्पथेटिक एंड ब्रिंगिंग द बेस्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन बिकॉज आपको तो दोनों ही मैनेज करने दिज आर डिफरेंट रोल्स एंड एच आर बी पी कैन बी प्लेस्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में एच आर बी पी जूनियर पोजिशन भी होती है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन uh, में एच आर बी पी कैन बी द मोस्ट सीनियर पोजिशन कैन बी द कम्बिनेशन ऑफ बोथ एज वेल दे कैन बी वन लीड एच आर बी पी एंड देन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ डिफरेंट ऑफिसज ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर भी स्मॉल एच आर बी पी हो सकते हैं एंड देर कैन बी ओनली वन एच आर मैनेजर जो कि एच आर बी पी का रोल कर रहा होता है सो अगैन जो हमारी कल बात हुई थी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसने तीन बंदे टोटल एच आर के लिए रखने हैं तो क्या वहाँ पर एच आर बी पी मॉडल यूज हो सकता है बिल्कुल यूज़ हो सकता है क्योंकि एच आर मैनेजर विल टेक द रोल ऑफ एन एच आर बी पीब अलग से जॉब क्रिएट करने की जरूरत ही होगी इज द माइंड सर दैट यू कैन डिवेलप But of course, HRBP is most effective where you are talking about the functions, about line of businesses. That is a very elaborative. Again, I would say HRBP is not a job, it's a model that provides you a mindset, a tool set. So Bahasari situations, for example, it's a company and they are they have offices in different countries, and each country has multiple offices. उसमें जो आपका कंट्री एच आर हेड है दे कैन टेक द रोल ऑफ एच आर बिजनेस पार्टनर्स राइट और दे कैन हैव मल्टीपल एच आर बिजनेस पार्टनर्स फॉर एग्जाम्पल वन फॉर वन लाइन ऑफ बिजनेस वन फॉर अनदर लाइन ऑफ़ बिज़नेस सो दे आर मल्टीपल वेज ऑफ हैंडलिंग इट अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है प्रोविडेंट फंड लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड दें या ग्रेचुटी दें hmm. या दोनों ही ना दें ठीक है एक तो दे <laughs> है? देते हैं अब प्रोविडेंट फंड दें या ग्रेचुटी दें इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टैंडर्ड बोल बहुत सारे ओके प्रोविडेंट फंड के अंदर अलबत्त यह है कि एक प्रोविडेंट फंड यू इन्वेस्ट एंड यू कट द मनी सम पीपल हैव इशू विद दैट समीपल से कि जी हमने इस्लामिक uh, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाना है सम से कि जी हमने प्रॉफिट लेनी जाना है तीसरा मल्टीपल वेज हमने ये बात कही है कि प्रोविडेंट फंड आपने लट से चूज़ कर लिया उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं विच से कि फ्राम डे वन आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कुछ कहती हैं कि जी हम आपको कन्फर्मेशन के बाद देंगे कुछ कहते हैं कि जी हम आपको एक साल के बाद देंगे विच इज़ द राइट वे बिकॉज द पर्सन इज एम्प्लॉई इज़ योर एम्प्लॉय फ्राम डे वन दैट एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट उसको एसेक पर आप कन्वर्ट आप करवाते हैं बट इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट फॉर द कम्प्लायंस एज वेल फॉर द लीगल एज वैल बिकॉज फ्रैंकली पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एच आर या लेबर लॉ है इट इज़ नॉट ए अंडरस्टुड बाई मोस्ट पीपल बी एच आर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उसका नहीं पता है कि लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन क्या है सी वेरी इंपॉर्टेंटली अवर लेबर लॉ इज नॉट वेरी वेल डिफाइनिंग द मैनेजमेंट पोजिशंस वहां पर वर्कर की बात हो रही है सो मैनी पीपल ट्राई टू लिव

जबकि जो वर्कर डेफिनेशन है इट्स एन एम्प्लॉई गेटिंग द मनी फ्रॉम देर ठीक है सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बेसिक कंप्लायंट रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एच आर बी पी एट द सेम टाइम द मिनिमम यू शुड बी कंपेलिंग इज़ कंप्लायंस मिनिमम यू शुड बी टेलिंग द एच आर टू डू इज कंप्लायंस होता क्या है कि बहुत सारे एच आर पुराने ज़माने के अंदर लोग ऐसे करते रहे हैं कि एच ने भी दिखाना होता था, था कि जी मैंने अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है एच को कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में वो कहते हैं जी अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं कि वो नहीं देते so क्या होता है सोशल सिक्योरिटी नहीं पे करते uh, अच्छा ऐसा करते हैं कि हम ई बी आए नहीं पैसे करते पैसे देते। हाँ सो so अब वो भी तो पैसे जा रहे हैं ना वो भी तो एक्सपेंस है सो अ गुड एच आर मैनेजर अ गुड एच आर बी पी विल ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज़ फोकस ऑन कंप्लायंस आज फर्स्ट इसको एज अ स्ट्रेंथ यूज करें जिसमें आप बताएं कि जी हम हेल्थ रिस्क और इसके ऊपर फोकस करें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सोशल सिक्योरिटी अगर आप पे कर रहे हैं तो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स डेट यू कैन पास ऑन टू पीपल जी जो आप इंश्योरेंस से वो चीज़ें नहीं कवर कर सकते इंश्योरेंस बहुत मिनिमम हद तक आप देते हैं आप उतना बड़ा इंश्योरेंस पैकेजेस भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देती लेकिन जब आप सोशल सिक्योरिटी पे आ रही हूँ टॉकिंग अबाउट द पेंशन टू द डिसड बेवा एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोशल एक्सीडेंट लिम्स रिप्लेसमेंट मैरिज ग्रांट्स एंड देन यू कैन गो फॉर डब्ल्यू पी एज वेल सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू नो बिकॉज यू हैव टू गेट द केपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लॉ

बेसिक तो करो ना हाँ वो एज अ नेचर वी शुड ऑलवेज गो फॉर दैट देर विल बी पीपल कमिंग फ्राम वेरियस बैकग्राउंड कोई कहेगा फाइनेंस से या कोई एडमिन से या कोई बहुत अच्छे मुंशी बैकग्राउंड से वो ये कहेगा कि जी नहीं हमें तो उस पर पैसे बचाने चाहिए बट ये पैसा जो है ये इट्स इट्स अ यू से बैड प्रॉफिट देर आर ऑलवेज डेफिनेशन ऑफ गुड प्रॉफिट एंड द बैड प्रॉफिट बैड प्रॉफिट नॉट ओनली मॉरली एंड एथिकली बट ऑल्सो फ्राम द गुड विल परस्पेक्टिव एम्प्लॉज नो एम्प्लॉयज़ जो है ना वो सिली स्टूपड लोग नहीं हैं इम्प्लॉयीज़ आर वेरी क्लेवर एंड दे अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग अवे देयर राइट सो कल को अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सी ई आकर के बात करते हैं कि जी हमें हाई इंटेग्रिटी रखनी चाहिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए हमें काम चोरी नहीं करनी चाहिए तो द डायग इंसाइड द एम्प्लॉयज़ माइंड इज हेलो यू आर टॉकिंग अबाउट इंटेग्रिटी यू आर द वन हू इज़ नॉट कम्पलाइंड बट कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना इम्प्लॉयीज़ की इट्स ऑल्सो ऑर्गनाइजेश रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ ऑर्गनाइजेशन इज नॉट डज नॉट हैव द कैरेक्टर इट्स एल्फ टू यू आर सेंडिंग अक्रॉस अ मैसेज एच आर कैन डिजाइन सच प्रोजेक्ट्स विच फोकस डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्टिविटी विच फोकस ऑन डायरेक्टली इम्प्रूविंग द ग्रोथ ऑर द सेल्स फॉर एग्जाम्पल इट्स अ प्रोडक्शन बेस्ड ऑर्गनाइजेशन डिजाइन अ प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट द वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स हाँ बिल्कुल अगर आप ये बताएँ कि भाई मैं टी एंड डी करवाना चाह रहा हूँ और उस पर आपका ये स्पेंड होगा वर्सेज मैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करूँगा उसमें टी एन डी होगा उसमें फ्लोर शॉप एक्टिविटीज होंगी शॉप फ्लोर सॉरी मेरा परफॉर्मेंस सिस्टम होगा जिसमें हम वेस्ट के ऊपर टारगेट्स लेंगे दोनों को मेरे परफॉर्मेंस सिस्टम में प्रोडक्टिविटी के टारगेट होंगे मैं मल्टी स्किल वर्कफोर्स पर काम करूंगा और मैं वर्कफोर्स प्लानिंग पे काम करूंगा और इससे आपको इतने डॉलर की कॉस्ट सेविंग होगी सो यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग बट योर फोकस इज नॉट ऑन स्पेंडिंग यू आर टेलिंग दैम वॉट इज दर ओ आई ऑफ इट ये चेंज है ना ये एक दिन में नहीं होता यू हैव टू वर्क ऑल टूगेदर टू ब्रिंग दैट कल्चर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली डू दैट आई हैव टू कंसल्टिंग and i have been talking about it to people that they do one or two project and they expect miracle out of that project it doesn't work that way yeah. you have to consistently keep working yes. consistently keep designing yeah. things टू अचीव द लॉन्ग टर्म विजन इफ यू डोंट हैव इट आप छोटे पैमाने पर ट्रेनिंग करा लें एक प्रोजेक्ट कर लें मुझे जी प्रोजेक्ट मिल गया मुझे ऐसा कंसल्टेंट बड़ी खुशी होती है जब मुझे प्रोजेक्ट मिलता है आप परफॉर्मेंस सिस्टम डाल डिजाइन कर येस आई विल डिजाइन द परफॉर्मेंस सिस्टम फॉर यू आई टेक मनी एंड आल गो अवे बट विल दैट परफॉर्मेंस सिस्टम वर्क फॉर यूर ऑर्गनाइजेशन दैट्स एक्चुअल चेंज मैनेजमेंट दैट द एच आर लेव टू डू ठीक है वो दैट्स अ लॉन्ग चेंज मैनेजमेंट हायर मी फॉर द चेंज मैनेजमेंट आल डू दैट फॉर यू बट एट द एंड ऑफ द डे एच आर एक्सपेक्ट के मैं और फिर देन दे से कि ओ हम तो ये देखते हैं कि बहुत अरसे हमारे पास ये कर रहे हैं बहुत अरसे मैंने तो ये भी कर लिया मैंने तो वो भी कर लिया नो इट डजेंट वर्क दैट वे यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप वर्किंग स्टार्टिंग फ्रॉम विजनिंग द ऑर्गनाइजेशन वेयर डू आई वॉन्ट टू गो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोडक्शन ऑर्गनाइजेशन आई नीड टू आइडेंटिफाई वॉट आर माई इश्यूज ऑफ प्रोडक्शन क्या मेरे पास एक्सीडेंट रेट हाई है क्या मेरी प्रोडक्टिविटी लो है क्या मेरे पास वेज ज़्यादा क्रिएट हो रहा है क्या मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर आपको इस बिजनेस का पता ही नहीं वाई बिजनेस पार्टनरशिप बिकॉज यू नीड टू नो द बिजनेस फर्स्ट राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस इन इट्स ओन लैंग्वेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है किस वजह से ज़्यादा हो रही है क्या लोगों की वजह से ज्यादा हो रही है देन आई विल कम विद फोर्स प्लानिंग और वर्क फोर्स प्लानिंग को करने इफेक्टिवली वर्क फोर्स प्लानिंग के कौन से टूल्स हैं क्या मुझे सिक्स सिग्मा अप्लाई करना चाहिए क्या मुझे लीन पे जाना चाहिए क्या मुझे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना चाहिए क्यों के ऊपर करना चाहिए सो एंड सो फॉट सो ईच वन ऑफ इट इज़ इट सेल्फ अ लॉन्गर प्रोसेस Right? And you have to do the change management across the organization by bringing it everyone on the table. Problem hati hai when HR wants to take the entire credit, when product wants to take the entire credit, when finance wants to take the entire credit. You have to think in those terms. Operational excellence, all right. Operational excellence may say, what are my five big cost I'm just giving an example. What are my five big costs? Who are the owner of it? I need to talk and work with them to reduce those costs. <coughs> Only then you can work. Okay, so how HRBP actually works, right? HR business my back end, what is the staffing, hori hai, leadership development, hori hai, learning and development, hori hai, comp and ben, hai, employee relation, hai, diversity and inclusion. Hai. These are typically called as center of excellence so now when the hr business model is implemented in an organization how does it actually look like there is a center of uh, excellence center of excellence ka that these are the people who are experts in their own talent uh, in their own designs so for example a person who is working on talent development is responsible as center of excellence Designing the talent philosophy, designing the program for getting the talent, designing the talent development strategy, um, all the strategic implementation of all these programs. Design and development. Who will execute it in the front end is HR business partner. Hai? So, for example, we have a talent acquisition ka ek model. Banaaya. How the talent acquisition will work in our organization. That, that model could be that management jobs, hai, unke liye I will run a management develop, training program. राइट right? mm -hmm. फिर मैंने कहा कि जी मुझे समर इंटर्नशिप्स ऑफर करनी है फॉर एग्जांपल मैंने आपकी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि जी नहीं हमारे पास तो फ्रेश ग्रेजुएट्स ही नहीं आते हैं तो मैंने फ्रेश ग्रेजुएट्स हायरिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया फॉर mm एग्जांपल -hmm. हाँ एम कर लिया यस डिवेलपर सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स का जो प्रोग्राम होता है या आपने कहा कि नहीं आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वेमन सो आई नीड टू ब्रिंग इन वेमन इन टैक सो मैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर वेमन डिजाइन करने लगे डाइवर्सिटी का uh, या फिर मैं ये कि मैं चलो वेमेन के लिए नहीं रहा मेरे पास मैन और वुमन इज नॉट मच एन इश्यू बट आई रियली वॉन्ट टू एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई फील फॉर एक्सेसिबिलिटी सो आई विल डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर पर्सनस विद डिबिलिटीज एंड आई विल ब्रिंग दैम ऑन नाउ दीज आर ऑल द डिफरेंट स्टाफिंग प्रोजेक्ट्स टैलेंट पर्सन विल डिज़ाइन इट विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस पार्टनर अगेन दे विल नॉट वर्क इन साइलोज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन दैट प्रोग्राम Business partner will have a role in designing it as well. Why? Because business partner has the line of business with them. So they know the MTO program ke liye kaun si positions. Hain MTO hire hai. Internship ki kaha kazeo. Tha That's the direct information that business partner can provide to the staffing person. And that is why it is a two-way arrow. Get that? ये नहीं होता कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या है अब हमने डिज़ाइन कर लिया जाओ जाके करो आप उनके छोटे बने में और काम करें नो इट डजन वर्क दैट राइट सो यू हैव टू टेक द इफॉर्मेशन फ्राम द लाइन ऑफ बिजनेस बिजनेस पार्टनर प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन प्रॉब्ली आपका कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन होना है जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर्सन डिजाइन कर रहा है सो हाउ द डिज़ाइन शुड कम हाउ द फ्रेमवर्क शुड बी डिज़ाइन वॉट फोकस ग्रुप शुड हैपन व्हाट के पी आई शुड बी मेड इफ एट्स के पी आई बिजनेस इफ़ इट्स एन ओ के आर्स ओके आर्स शुड बी मेड ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू कम फ्राम द लाइन ऑफ बिजनेस That line of business excess is with HRBP because they have been working in relationship building with the line of business. So jo line of जो hai wo apne है वो अपने ko kya bata rahi hai क्या बता रही है हमारे प्रॉब्लम्स क्या है एच आर बिजनेस पार्टनर उन प्रॉब्लम्स को सुन करके बता रहा है कि अच्छा ये प्रेफरेंसेज हैं गोइंग बैक टू देंटर ऑफ एक्सेलेंस कि भाई देखो बिजनेस के ये प्रेफरेंसेज हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डिज़ाइन अ परफॉर्मेंस सिस्टम वो आप जी इसलिए कि हम के पी यूज़ कर रहे थे वो नहीं चल रहा तो अब हम ओके पे चले जाते हैं आप बिजनेस पार्टनर कहेगा आप जो चाहे इस्तेमाल करें आई नो के बिजनेस की इस वक्त प्रेफरेंस लेट्स से कॉस्ट कटिंग है लेट्स से सेल्स ग्रोथ है लेट्स से वॉट एवर दिल कम बैक टू द सी ओ एंड टेल दैम वॉट एवर यू आर डिज़ाइन शुड इम्पैक्ट दिस लाइन ऑफ बिजनेस इफ योर प्रोग्राम इज़ नॉट इम्पैक्टिंग दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस विल नॉट लिसन टू यू सॉरी सो दैट साइलो बिटवीन द एच आर इज ब्रोकन बिकॉज ऑफ द HR business partnership so in an HR business partner there are three main roles and it's a, ho a holistic approach how HR business partnership model work in the organization so your HR leadership team gae, which is its uh, chief uh, people officer chief HR uh, officer uh, chief HR excellence officer you can name it take hai? Uh, some people say chief happiness officer yeah. however Uh, जैसे भी वो अपने उस ह्यूमन रिसोर्स को विजुअलाइज कराना चाहते हैं द नेम्स आर गिवन फ्रॉम दैट एंगल आई बिलीव इन सिम्प्लीफिकेशन आई बिलीव इन सिंप्लीफाइड नेम्स सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। सो इफ आई एम राइटिंग चीफ एच आर ऑफिसर हाफ ऑफ द वर्ल्ड नो व्हाट एच आर ऑफिसर डज ठीक है वर्स चीफ एक्सेलेंस ऑफिसर वॉट डू दे डू you know so i believe in job specifications job titles and job descriptions kello jo bhi usko naam dena chaho uh roles jo hain roles ka name should define describe what the role does guess ना करना पड़ा raha logon ko wo fancy अच्छा तो लगता है but it doesn't make any sense easily it doesn't look um it doesn't make sense to lot many other people as an employer brand it looks probably very creative but does it send out the same message or not that's a very important discussion to happen i am not completely against having creative name but those creative names should also depict the role of the job as well taaki dusre ko pata ho ki ye kya ho raha hai kyunki at the end of the day अगर आपने वही job दोबारा market में announce करनी है तो people will ask के पता नहीं क्या जॉब थी मुझे नहीं पता मैंने किसके लिए apply कर दिया ठीक है then we have three main legs in this hr business partners the hr business partner work as a strategic partner and liaison with the line of business so it's a large organization and we have let's say manufacturing uh, units okay? and these manufacturing units are in different region some are in um, lahore some are in karachi islamabad pindi quetta peshawar अब आपने एच आर बिजनस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है डू यू हैव सच बिग फैक्ट्रीज इन ईच यूनिट तो फिर आप लोकेशन वाइज एच आर बिजनस पार्टनर्स बना सकते हैं ठीक है अब वो जो लोकेशन वाइज जो एच आर बिजनस पार्टनर होगा वो वहाँ पर तमाम एक्टिविटीज़ के लिए लियेजन कर रहा होगा फ्रॉम द लाइन ऑफ बिजनेस ठीक है जैसे पहले रिलेशनशिप मैनेजर्स या एच आर रिलेशनशिप मैनेजर्स हर ऑफिसिस में होते हो थे एच आर मैनेजर हर फैक्ट्री में होता था उसका रोल क्या था कि वो उस फैक्ट्री के लिए एचआर मैनेजर होता था ठीक है एचआर बिजनेस पार्टनर का ये रोल भी हो सकता है डिपेंडिंग अगेन कि आपको मॉडल क्या चाहिए देर कैन बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट फंक्शन वाइज अब आपने कहा कि जो मेरी रीजन्स में टीम बैठे हुए हैं लेट्स से दे आर मोर सेल्स फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन तो जो सेल्स का एच आर बिजनेस पार्टनर है वो एक अलहदा होगा और जो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन का बिज़नेस uh, पार्टनर है वो अलहदा पर्सन होगा इट कैन इफ द फंक्शन हाँ इंडस्ट्री में भी विद इन इंडस्ट्री इफ द फंक्शन इज लाइक दैट कि आपका फंक्शनल जोग्राफिकल लोकेशन आर डिफरेंट और फंक्शनली यू आर डिवाइडेड और स्प्रेड अराउंड ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो एक ही हेड ऑफिस में ही क्यों ना हो आपके फंक्शन साइज मैटर करता है आइडियल एच आई बिजनेस पार्टनर आर फंक्शन और लाइन ऑफ बिजनेस स्पेसिफिक Instead of location specific, because location, we have seen in COVID, mein ha, doesn't matter. You can work from anywhere. Like <laughs> But line of business is Line of business hai? Because they are strategically uh, liaisoning with those people. So they need to understand their business. Since they need to understand their business to work with them, so the good process, uh, practice in HR business partner is to have a function specific business partner. देन यू हैव शेयर सर्विसेज शेयर सर्विसेस क्या होती हैं शेयर सर्विसेज हर वो सर्विस जो कि एच आर प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेशन ट्रेनिंग एंड डिवेलपमेंट इंश्योरेंस लीगल कंप्लायंस एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर कंबाइंड इन टू वन रोल इंस्टिड नहीं नॉट अ कंसल्टेंसी सो फॉर एग्जाम्पल इन ट्रेडिशनल एच आर मॉडल एच आर मैनेजर इज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग ऑल ऑफ दैट एज वेल ठीक है एच आर बिजनेस पार्टनर मॉडल में उस फर सर्विस का उस फंक्शन का जो शेयर्ड सर्विस मॉडल होगा दैट वुड बी जितना ऑपरेशनल होगा वो ऑटोमेटेड होगा नंबर वन और उसको हैंडल करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स होगी जो कि उस सबको क्लेट कर रही होगी ताकि जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो एच आर बिजनस पार्टनर को ना करनी हो बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर एच आर बिजनेस पार्टनर इज़ अ स्ट्रेटेजिक रोल सो so, वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करे ऑपरेशन में तो वरना पर वो सारा दिन ऑपरेशन करता रहेगा तो, जी सो फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉय रिलेशन में से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला पार्ट है दैट कैन बी डन बाय द शेयर सर्विस पीपल बिकॉज दैट वन पर्सन कैन डील विद द एजेंसीज एंड ग ठीक है बट शेयर सर्विसो टिपिकली इन्वॉल्व डाटा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एच आर आई एस कौन सा यूज़ होना चाहिए किन किन मॉड्यूल्स को हमने टेक्नोलॉजी फोकस करना है एंड सो एंड सो सोफोर्थ ठीक है एग्जैक्टली जो Center of Excellence, they are typically focusing on talent development, um, leadership development, diversity and inclusion. Um, they may be focusing on separately again, anybody hiring talent acquisition, separate hoga talent development, separate hoga, all depending on what is the need of the organization. So, center of excellence is mainly based on what excellence part in HR is required. Do you need a separate stream for it, or one person can't

ठीक है सो फॉर एग्जांपल अगर स्टाफिंग हो रही है शॉर्टलिस्टिंग हो रही है और आप सारा दिन बैठकर शॉर्ट लिस्टिंग ही कर रहे होते हैं सीवी कलेक्शन कर रहे होते हैं जो कि आईटी में सारा सारा दिन यही कर रहे होते हैं आप बैठे हुए तो फिर यू कैन नॉट फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक टास्क बिकॉज यू विल बी ओनली बेरीड इन इन टू द ऑपरेशनल टास्क एंड द टेक्टिकल एक्टिविटी उसके लिए बेहतर क्या है कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं एक प्रॉपर जो है वो रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करें जो कि वहाँ पर आपको शॉट में हेल्प कर रहा हो एंड टेक इट बैक टू द बिजनेस और दूसरा यह कि जो आपका बिजनेस है वो देख के खुद शॉर्टलिस्ट कर लेना एक कुछ स्क्रीनिंग जो है वो सिस्टम में से हो हो रही कुछ चीजें एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर से हो रही हूँ सो इरेवेंट सीवीज निकल जाए और कुछ चीजें जो है वो बिजनेस खुद शॉर्टलिस्ट कर ले सो यू विल बी वर्किंग मोर कोआबरेटिवली विद द बिजनेस इंस्टेड ऑफ सेइंग हायरिंग तो हम कराते हैं तो एच को आके कहा जाता है भाई तुम टाइम पर हायरिंग नहीं कराते यस बिकॉज द लिंक इज़ ब्रोकन द लेजॉन और बिजनेस ठीक कह रहा है क्यों क्योंकि बिजनेस की एक पर्सन के जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इफ़ यू आर नॉट फिलिंग इट अपऑन टाइम दैट्स द कॉन्स्टेंट लॉस दैट दे आर फेसिंग सो एच ने वो बस मिस कर दी जहाँ पर उसने लियजॉन करना था उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आई टी में हर वक्त आपसे कहा जाता है यू शुड ऑलवेज हैव वेरीफाइड अवेलेबल विद यू द रीजन बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉज शुड बी लोअर डाउन एज वेल राइट कि यह जो बिजनेस पार्टनर है इसमें हम इे के अंदर कोई लीस्ट एग्जाम्पल फाइनल थोड़ा कुछ डिक्लेयर कर देंगे कि आप किस किस तरह से बिज़नेस पार्टनरशिप अपने इदारे के लिए अपने एम्प्लॉयज के, 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 के साथ और अपनी सराउंड में कैसे कर सकते हैं ताकि हम उसको प्रैक्टिकली फिजी बिल उसको अप्लाई भी कर सकें सो अ डिपार्टमेंट विच इज ऑलरेडी मेड फॉर एच आर मैनेजर्स या एक सिंपल ट्रेडिशनल एच आर एम बेस्ड डिपार्टमेंट बना हुआ है एंड टू यू फील कि नहीं हम बहुत पुरानी प्रैक्टिस में हैं एंड वी शुड बी इवॉल्विंग आर सेल्फ इन टू मॉडर्नाइज एच आर प्रैक्टिस सो फर्स्ट थिंक फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई वाई डू यू नीड टू डू दैट जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स इज़ डूंगूंग इट फॉर देट रीज़न विल नॉट वर्क फॉर यू ठीक है तो सबसे पहले तो आपके पास वैलिड स्ट्रेटेजिक रीज़न होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द रीज़न कुड बी कि एच आर डज नॉट हैवे प्लेस इन स्ट्रैटी एच आर अभी सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है लेट्सिफाई दैट हैज अ प्रॉब्लम एच आर के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो रहा है से नुकसान ये हो रहा है कि एच सिर्फ लेटर्स आगे फॉरवर्ड कर देता है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका टर्नओवर भी इंक्रीज़ हो रहा है लोग भी डिसेटिस्फाइड हैं प्रोडक्टिविटी भी लो है जब चले जाते हैं तो आपके पास इंप्लॉयर ब्रांड ऐसा नहीं है कि आपके पास लोग आएँ सो एंड सो फोर्थ यू आइडेंटिफाई ऑल दोज इश्यूज़ राइट देन यू मेक अ प्लान कि अच्छा इसके लिए मुझे एच बिजनेस पार्टनर का क्या मॉडल चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज वर्किंग इन यू ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे हैड 160 offices inside Pakistan. Each unit required its own HR processes, but the requirement for the HR processes were very simple: leave processing, uh, recruitment, basic performance, basic HR functions. So now, my choice kya hai? Do I need to implement an HR business in 167 location, or I make the regions, make the regional HR business partner for the regions, and all those 160 locations may thank you may be divided into those regions. Or हो सकता है कि 50, 60, 70 इस तरह से करके uh, number of units एक organisation एक region के अंदर आ जाए, ठीक है? फिर उस region का जो HRBP होगा, वो regional manager नहीं होगा. वो एच आर बिजनेस पार्टनर होगा विच मीन्स वट वुड दैट पर्सन डू वुड फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक हायरिंग वुड फोकस ऑन द ट्रेनिंग एंड डिवेल्पमेंट वुड फोकस ऑन द लीडरशिप डिवेल्पमेंट वुड फोकस ऑन हैविंग द परफॉर्मेंस सिस्टम दैट एक्चुअली वर्कस विद द ऑल द पीपल इन दर्गनाइजेशन एंड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ एच आर जिस फॉर एग्जाम्पल स्टाफिंग है फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट लिस्टिंग है एम्प्लॉय फाइल डेवलपमेंट है एम्प्लॉई फाइल मेंटेनेंस है सो एंड फॉर जितने जो बेसिक फील्ड वर्क एच आर के उसके लिए हर यूनिट के अंदर एटलीस्ट वन परसेंट एज एच आर ट्रेन कर दिया जाए ठीक है दैट वर्क्स जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए है। उसके लिए आप एचआर जनरलिस्ट ट्रेन कर दें और जो एचआर बिजनेस पार्टनर रीजन्स के अंदर आपने सेंट्रली लोकेट कर दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो जा के उन डिपार्टमेंट्स के अंदर उन लोकेशनस के अंदर जो उस लोकेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है लाइन ऑफ बिजनेस के साथ उस पर काम करें ठीक है ये एक सोलूशन है एक तरीका है अब आपने ये पहले स्ट्रक्चर बनाया आपने इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट निकाली आपने कहा कि अच्छा हंड्रेड लोकेशन के ऊपर इस वक्त तो नहीं है भाई एच आर का पर्सन इसका मतलब है कि मैं क्या हेडकाउंट ऐड करने लगाऊँ 160 वो एच आर बिजनेस पार्टनर वेरी एक्सपेंसिव मॉडल वहीं से ठक करके शॉर्ट डाउन हो जाएगा हम नहीं कर सकते चला लेगा चला बिल्कुल चला सकता है तो जो वहाँ पर एडमिन का पर्सन बैठा हुआ है उसको ट्रेन कर दो एच आर के ऊपर तो आपकी राय में हम उस स्कूल के अंदर जो अपने स्टाफ है उसको हम बिजनेस पार्टनर भी कोई बड़ी तो मतलब आसान सी कोई स्ट्रेटी हो जिसके अंदर उसको अप्लाई कर सके ताकि इदारा ग्रो करें आपके स्कूल का स्ट्रक्चर क्या है क्या आपका स्कूल जो है वो स्टैंड अलोन है या वो किसी हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा उसके वो सोलो है वो सोलो है जो ओनर है वो स्कूल के अंदर बैठता है जी है और वहीं से रन कर रहा है कोई हेड ऑफिस नहीं है सो so, आपके स्कूल का फाइनेंस कौन देखता है वो तो जो आती उसी से बाकी हेडपी से भी देखें और ये जो मैंने आपको हंड्रेड सिक्स की एग्जाम्पल दी है ये मैंने आपको एजुकेशन के ही से दी है ठीक है सो देर इज देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट द एजुकेशन सिस्टम वन इज हेड ऑफिस और फिर वन और टू लोकेशंस के ऊपर स्कूल्स हैं एक ये मॉडल है, है। अगर ये मॉडल है तो एच कैसे इंप्लीमेंट होगा एच आर बिजनेस पार्टनर आपका यहां बैठेगा ठीक है और इन स्कूल्स के अंदर आप जर्नलिस्ट बिठा सकते हैं ठीक है। और वो जर्नलिस्ट नॉर्मली जो आपका ब्रांच का अकाउंटेंट होता है, है वो बहुत सारे काम कर सकता है वो अभी भी कर रहा है वो अभी भी सीवीज कलेक्ट कर रहा है अभी भी इंटरव्यूज एक्सचेंज कर रहा है बट वॉट यू नीड टू डू इज टू ट्रेन दैट पर्सन अभी क्या फ़र्क है अभी वो पर्सन ट्रेंड नहीं है अच्छा आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरा ये ये वाला ब्रांच है ही नहीं मेरा मेरा इस तरह का को कोई सिस्टम नहीं है कि बहुत सारे लोग हों मेरा तो सिंपल एक सिस्टम है कि एक स्कूल है अब स्कूल के में कौन कौन होता है एक प्रिंसिपल होता है टीचर्स होते हैं ने. और कौन होता है होता और एडमिन होता है ने. और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ने. और कौन होता है बाकी तो और बाकी स्टाफ होता है स्टाफ से मतलब है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यही होता है इधर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। अब आपकी क्या क्या चीज़ें रहती हैं ठीक है ठीके? अब आपकी जो चीज़ें रहती हैं इस आ, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए डिटेल में डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी जो सिंगल यूनिट के ऊपर है उनको भी ये शायद क्लियर हो जाए अब अगर स्कूल्स के ऑपरेशंस में आ जाए स्कूल का बिज़नेस कैसे चलता है भाई जी मुझे बताइए क्या क्या मेन ऑपरेशन हैं स्कूल के जिसमें यूनिफॉर्म आ गया और बुक्स आ गई स्टेशनरी आ गई सो एंड सो फॉर ठीक है और कुछ है चलो वर्क फोर्स मैनेजमेंट मैंने लिख दी है हाँ सिर्फ मार्केटिंग सेल्स नहीं आएगी इसमें पेरोल में हमने लिख दिया कॉम्पैन बैंड बेसिकली मैं सिंपल मैं थीखो। हमेशा पहले सिंपल वर्ड्स में इसलिए लिखती हूं ताकि समझ आ जाए कि हम एक्चुअली रहे हैं। फिर उसके बाद जितनी चाहे फैंसी उसको टर्म्स देने कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा ये जो है ये काम ये काम एंड ये काम ये तीन जो है ना दीज आर बिजनेस एक्टिविटीज यस क्या क्या चीज एडमिशन फी एंड मार्केटिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं राइट अच्छा जो सबसे बड़ा एक स्कूल का काम था वो हमने लिखा ही नहीं एंड दैट इज कॉल्ड एज एकेडेमिक्स जो कि एक्चुअल बिजनेस है आपका राइट सो दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटीज राइट देन यू हैव एकेडमिक एक्टिविटीज एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आ गई टीचिंग और फिर आ गई टीचर्स ट्रेनिंग यही दो काम होते हैं एंड देन करिकुलम डिवेलपमेंट टाइम टेबलिंग टाइम टेबलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है असेसमेंट्स यस ठीक है चले हमने मोटी मोटी एक्टिविटीज सो दीज आर द बिजनेस एक्टिविटीज विच आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स देन अगेन देन देर आर एच आर एक्टिविटीज जिसमें आता है पेरोल हायरिंग एग्जिट्स एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट ठीक है अब सवाल ये आता है कि इसमें मैं कौन सा एच आर यूज करूँ क्या मैं स्ट्रेटेजिक एच आर मॉडल यूज कर सकती हूँ हाउ मेनी पीपल से जरूरत नहीं है ओके okay. okay. ओके और यही तो होता तरह है तरह यही रीजन है कि आज तक एकेडमिक्स का एच आर बिल्कुल फर्क है <laughs> बहुत <laughs> हाँ बहुत हाँ बहुत अच्छा बिकॉज दे रियलाइज के एच आर जो है वो इंपॉर्टेंट धारा है एच आर होना चाहिए बिकॉज सच ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाउ अंडरस्टैंड दैट एवरी सिंगल बिजनेस इज जस्ट ह्यूमन टू ह्यूमन बिजनेस यस आप कुछ कर लें प्रोडक्शन right. कर लें कोई काम कर लें यू आर अल्टीमेटली डूइंग ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजेक्शन राइट सो जब ये जहन में आ जाए लोगों के तो उनको समझ आ जाता है कि नहीं भाई हमें ह्यूमन मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी राइट सर्विस डिलीवरी एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट्स अ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली इज अ सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इवन फॉर द प्रोडक्शन और द प्रोडक्ट based businesses यू नीड टू थिंक अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस यस मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये पेन बना रहा हूँ इसके लिए कस्टमर को सेटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर का पेन हासिल करने से लेके, पेन के बारे में सोचने से लेके, इस पेन को डिस्पोज ऑफ करके किसी और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी मुझे वो पूरा प्रोसेस सोचना चाहिए सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ह्यूमन सो yes? Yes. So, जब लोगों को ये अंदाजा होना शुरू होता है तो समझ आता है कि इधर स्ट्रेटेजिक एच चाहिए है बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी ऑटोमेटेड इधर मैंने एक जुमला लिखा है एंड दैट इज दिस दिस टाइम टेबलिंग इज एक्चुअली वर्क फोर्स मैनेजमेंट जो कि आपका प्रिंसिपल रोज कर रहा होता है वो सबसे पहले क्या करता है स्कूल में सबसे पहले जाके बनाता है टाइम टेबल और टाइम टेबल से पहले उसको क्या पता होना चाहिए कि मैंने क्लास वन के कितना सेक्शन बनाना है राइट right? उसमें वन ए बनाना है वन बी बनाना है वॉट शुड बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ सेक्शन राइट ये होता है ना आपके यहाँ अब अगर उसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता है तो उसने उन सेक्शन बनाए फिर उसने बताया कि मेरे संडे को क्या होगा मंडे को सॉरी मंडे से स्कूल खुलते हैं मंडे को क्या होगा ट्यूसडे को क्या होगा कितने लेसन होंगे और इस लेस की बेस पे मुझे कितने नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए हैं यस हु इज द स्ट्रेटेजिक एच आर हेयर थैंक यू फॉर सेइंग दिस यस एंड व्हाट वुड बी द रोल ऑफ एच आर अंडरस्टूड इफ दे डोंट डू दिस एंड दे आर ओनली डूइंग दीज ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल कहेगी भाई आप उधर बैठे हायरिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ yes. तनख्वा भी मैं खुद ही डिसाइड कर लेती हूँ परफॉर्मेंस मैं खुद ही देख लूँगी कैसे डिसाइड करो इनकी यस बट इफ दैट एच आर इज अ बिजनेस पार्टनर विद द मेन स्ट्रेटेजिक एच आर पर्सन है यू डोंट अफोर्ड टू हैव सिंपल सो मैनी एच आर के लोग राइट अच्छा जो इसकी एक और स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी थी दैट वॉज दिस हुटर ऑफ एक्सीलेंस हेयर एन एच आर इज You don't need टू हायर सो मेनी पीपल टू इम्प्लीमेंट अ मॉडल क्या कोऑर्डिनेटर नहीं है जो कि कंटेंट बना रहा है ट्रेनिंग का और किस बेस पे बना रहा है कि वो जाके ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे करता है कोऑर्डिनेटर? परफॉर्मेंस देखता है टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसे देखता है टीचर्स की क्लास में जाके बैठे आता है कैसा पढ़ा रही हो छापा मारते हैं देखते है क्या क्या नहीं आ रहा यही होता है ना सो दैट्स ट्रेनिंग नीड एनालिस नो तो हमने ये चाहिए ना इस तरह की फैंसी फैंसी टर्म्स है ना कन्फ्यूज़ किया हुआ है लोगों को कि हम कर सकते हैं सिर्फ नो कोऑर्डिनेटर इज डूइंग नीड एनालिसिस दैट्स योर सी ओ फॉर टी एंड डी वर्क विद दैट आइडेंटिफाई हाउ मेनी टीचर्स ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड हु इज द राइट पर्सन प्रोबली कोऑर्डिनेटर कहे कि ये जो मेरे पास पाँच पार इंग्लिश की टीचर्स हैं ना इसमें से एक टीचर जो है वो बहुत अच्छी है हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर ये सजेस्ट करे कि ये जो पांच इंग्लिश के टीचर्स हैं इनमें से एक पर्सन को आप ट्रेन करते हैं mm -hmm. और इसको कहें कि ये हर दफा टीचर्स की ट्रेनिंग करता mm -hmm. रहे है दैट्स द स्ट्रेटजिक रोल दैट एच आर इज परफॉर्मिंग यू स्टिल हैव ओनली वन पर्सन बट द मॉडल इज नाउ वेयर यू रिक्वायर द एच आर पर्सन टू बी ऑफ दैट केपेबिलिटी अब आप कोई ऐसी बंदा पकड़ के नहीं ले आएंगे कि ये था पर्सन इसको एच नहीं आता था और उसने जो है वो एच uh, आर की डिलीवरी कर ली राइट नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट विद एनी यू कैन इम्प्लीमेंट दिस मॉडल टू एनी अदर बिजनेस फॉर एग्जाम्पल कोई कॉस्मेटिक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है कोई वॉटर फिलिंग कंपनी है कोई फर्टिलाइजर्स uh, की कंपनी है कोई लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग है यू कैन थिंक ऑफ द एक्टिविटीज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट डिड आई डू I think of the activities where the business lies, where is the strategy that needs to go? Who would be the person who will participate with me? What are the stakes? Understand? So what you had, what hat you you need to wear, is this hat. So if you want to implement it, you do this whole exercise with you, and that's what this exercise tell you. ना लुक एड्रेस लाइन ऑफ बिजनेस फ्रंट के ऊपर सी आर एम हो रहा है सम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही है या वो आप थ्रू द सॉफ्टवेयर कर सकते हैं और थ्रू योर सेल्फ कर सकते हैं देन देर इज़ अ मिडिल लेयर वे आर ऑल द इफॉमेशन ऑफ एच आर प्रोसेसिज एग्जिस्ट जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम है जिसमें इम्प्लॉय रिलेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एंड बैकेंड के ऊपर ना इन योर केय बैकेंड के ऊपर वही हो रहा है हायरिंग हो रही है एग्जिट्स मैनेज हो रहे हैं वर्क फोर्स मैनेजमेंट हो रही है बट इन दिस वर्क फोर्स मैनेजमेंट इन अ ट्रेडिशनल एच आर मॉडल क्या रहा हो रहा होता इन ट्रेडिशनल एच आर मॉडल जो आपका एच आर मैनेजर है वो सिर्फ लगा रहता टीचर हायर करो टीचर हायर करो टीचर हायर करो hmm. इधर क्या हो रहा है उसको एग्जैक्टली exactly पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली मुझे टीचर चाहिए सोलह आई एम जस्ट टेकिंग एन नंबर अब सिक्सटीन के बदले जैसे ही अट्ठारवा टीचर हायर होगा वो आपके पास आ जाएगा एच आर बिज मॉडल जी आपकी कॉस्ट हाई हो रही है गॉडेड अगर वो सिक्सटीन नहीं हायर कर रही और वो एक तो आपके पास फॉरन आ जाएगा देखे टीचर्स का जो है वो बर्नआउट हो जाएगा टीचर्स डू नॉट हैव द केपेबल अगर वो अच्छा ए चार बिजनेस पार्टनर होगा तो वो सबसे पहले क्या करे कि वो सबसे पहले टाइम टेबलिंग के ऊपर अपनी जो गिरफ्त है वो मजबूत करेगा क्यों क्योंकि फिर वो प्रिंसिपल के साथ बैठ कर टाइम टेबल को चैलेंज करेगा कि ये देखें ये ऐसा टाइम टेबल है ये इस तरह से भी बन सकता है एंड दैट्स वॉट डू दैट्स व्हाट दे डू जो आप कह रहे हैं अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं सिटी स्कूल की भी नाउस के ना सो दैट्स व्हाट दे डू दे ट्राई टू फोकस ऑन द इफेक्टिवनेस एंड द स्ट्रेटेजिक पार्ट एट एज ए क्लियर डज दिस मेक यू क्लियर अबाउट हाउ एच आर बिजनेस पार्टनर मॉडल वर्ड द बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू दिस इज You need to know that HR does not always have to incur a cost to hire a person. HR business model says that you need to work with business. Yes, if you HR generalist ki, to go ahead and hire that. Right, it does not mean that you don't hire just because HR business model cost cost come cost. No, you don't do that. But what you actually need to see is its strategic requirement. एंड वेयर अब हो क्या ये कि जब ये मॉडल इम्प्लीमेंट होगा तो एज एन ओनर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एच आर गोज़ हाई एज़ वेल कि भाई मुझे ऐसा बंदा लेकर के लाओ एच आर में जो कि वाक़ता काम का भी हो जिसको आता भी हो काम जो कि इस लेवल पर जाके सोच सके यू विल नॉट देन हायर एनी अ पर्सन टू डू योर एच आर राइट और इफ़ यू वांट योर एडमिन टीम जो आपका ब्रांच का एक होता है ना पर्सन जो कि अकाउंटेंट भी वही होता है प्रिंसिपल का सेक्रेटरी भी वही होता है हर चीज़ वही काम कर रहा होता है आप उसको एच में ट्रेन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मैं आई यूज़ टू डू टीचिंग ओके बहुत पुरानी जब मेरा स्टार्ट ऑफ करियर था आई वॉज़ इन कॉलेज एंड आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम एज वेल आई नो दैट एक टीचर के लिए जो वहाँ पे बैठा हुआ है ना पर्सन जहाँ पे जाकर वो अपनी अटेंडेंस लगाती है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो उसको उसका एच ही समझती है अपने आप ठीक है सो आप उसको ट्रेन कर दे Training is it's a transferable skill. It is not something to you born with. It's not that big eyes, beautiful lips, and good nose to born with. You <laughs> these are all the things that you can get trained into. We cannot look into uh, HR from this angle by HR jobs. cut karo. No, it doesn't work that way. We we'll look into one more model. Very good point. We we'll look into one more model, just full-fledged HR key responsibilities. Ko in a large organization, and see how do you actually need to implement the HR business partner in it. Because we have a very small scope. a school, so school to definitely think, "I do not have that much money to hire so many HR people, right?" But in a, in a big organization or a medium-sized organization as well, you need a couple of people to do that job, and those couple of people should be at a level where they can actually perform the job. And then the rest of the jobs has to be converted into a technological support. Without that, they won't be able to perform. I can tell you one thing: H.R business partner is a very senior level position. Yeah. Many people have considered it as a very junior role. It is not. It is a senior role because the person has to be an expert in four fields, not in one field. We have seen that, right? You have to be an administrative expert. You have to be a change uh, agent. You have to be an employee champion. You need to know the strategic. If you have strategic qualities, are you a junior person anymore? No, you're not. You can start your career as HR business partner. You can draw your career for HR business partner. Yes, you can go ahead and draw entire career of HR business partnership but you can also have the career in one of the coes you can also have the career in the uh, shared services you can also have the career in the technology so these are all the fields that open up if you feel like change one we go for uh, one more implementation of hr business partner how hr business partner model works number one number two we focus on what competencies do you need to become an hr business partner थर्ड वी कैन टॉक अबाउट एच आर जो मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजी है वो आप लोगों के लिए इसलिए हैंडी होगी थर्ड वी विल सी एज अ करियर हाउ शुड यू प्लान योर एच आर बी बी करियर